लेकिन ये पहला अवसर है कोई गांव का गरीब या बुजुर्ग कैसे वो 250 रुपये पेंशन के बढ़ाने के लिए, 50 रुपये से 100 रुपये यूनिट बिजली करने के लिए का लाभ लेने के लिए वो कैंपर में आना पड़ेगा, वो गर्मी में वहाँ से चल कर आएगा। इन्हीं लोगों ने आज जॉब कार्ड पे आप अपना फोटो लगाकर कर रहे हो, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब आप ही लोगों ने विरोध किया था कि आप फोटो क्यों लगा रहे हैं, आप ही लोगों ने कहा कि इन कैंपों में इतना पैसा खर्च हो रहा है। तो आखिर आप सरकार में आने के बाद जब आपका समय चंद दिनों का बचा है, आपकी सांसें बहुत कम बची है सरकार की, तब आप इस प्रकार के निर्णय कर रहे हो। तो जनता सब जानती है कि आपने महंगाई को रोकने के लिए 4.5 वर्ष में आज डीजल हो या पेट्रोल हो चाहे बिजली हो, देश भर में सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल और बिजली कहीं है तो वो राजस्थान में है। आपने इसके लिए पिछले 4.5 वर्ष में क्या किया? आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 5 वर्ष तक बिजली का एक पैसा एक यूनिट पर नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आज बिजली तार में नहीं आ रही है, आज बिजली के लिए गांव में संकट है, लेकिन बिजली के बिल में जरूर करंट आ रहा है। इस प्रकार का सिर्फ और सिर्फ आप उनके कैंप में जाकर देखिए कि किस प्रकार के राहत देने का काम और कैसे लोगों को बुलाया जा रहा है। आज लोग वहां जनता ने तय कर लिया है कि आपको अब हमेशा के लिए राहत देनी है। किस प्रकार की राहत दी आपने? आपने अपराध को देश में एक नंबर पर बढ़ाने की राहत दी, आपने महंगाई पूरी चरम पर कर दी। आज राजस्थान का युवा भटक रहा है, कैसे किस प्रकार से आरपीएच जैसी पवित्र संस्था को आपने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया? आपने किसको सदस्य बनाया? आप ही ने बनाया। इतने समय तक उसको इस कार्रवाई से रोका किसने? आप ही ने रोका। कैसे आज युवा अपने आप को ठगासा महसूस कर रहा है, उसके सपनों को किसने रोंदा? लाखों युवा आज अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं, जिसके साथ आपने वादा किया था कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपके सपनों को उड़ान देंगे, वो सपना आज टूट चुका है। तो आज राजस्थान का युवा भी कमर कस के बैठा है। किस प्रकार से इन्होंने कार्रवाई, आज मिस्टर जारोली जी को इन्होंने बर्खास्त किया, उन्होंने कहा कि इसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं उसकी जांच होती? क्यों सिर्फ मोहरों को पकड़ा जा रहा है? तो इसके तार जब ऊपर तक जुड़े हैं तो जहां ऊपर तक कार्रवाई नहीं होगी जब तक इसका सच सामने नहीं आएगा।